किसानों का रेल रोको आंदोलन आज होना है। देश भर में आज हजारों किसान रेल चक्का जाम करेंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल पटरी पर बैठेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी और बंगाल में रेलवे की खास तैयारी। संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और बंगाल में रेलवे ने पुख्ता तैयारी की है। आरपीएफ की अतिरिक्त टीम लगाई गई है। पहले भारत बंद वाली साजिश, फिर टोल वाली साजिश और अब रेल रोको साजिश। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन आज 4 घंटे का रेल चक्का जाम करने जा रहे हैं। देश भर में हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठेंगे। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। रेल चक्का जाम का असर सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और यूपी में दिख सकता है। हालांकि किसान संगठनों में रेल चक्का जाम को लेकर पहले से मतभेद है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि स्थानीय लोग ही अपने अपने शहरों में ट्रेन रुकेंगे। 12 बजे से 2-3 बजे तक रहेगा, 3-4 बजे तक के करीब रहेगा ये। हम तो इंतजार कर रहे, रेल कब आवे, ट्रेन को ट्रैक पे रोका जाएगा। अरे क्या पता क्या होगा, तो गांव के लोग अपने तरीके से। पुलिस प्रशासन और रेलवे पहले से तैयार है। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां पहले से प्रदर्शनकारी बैठे हैं। आपको बता दें, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान संगठनों, खासकर संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको अभियान का ऐलान किया था। 26 जनवरी पर जिस तरह लाल किला हिंसा हुई और दिल्ली में उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया, उसके बाद अब रेल चक्का जाम को लेकर सरकार टेंशन में है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि किसानों के साथ मिलकर रेल में बैठे यात्रियों को वो भोजन कराएंगे। आंदोलन के दौरान लंगर 4 घंटे तक जारी रहेगा और किसी भी यात्री को परेशानी नहीं होगी। सरकार का पूरा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा और पटरियों पर है। जहां भी ट्रेन ठहरेंगी, वहां स्थानीय पुलिस की टीम पहले से मौजूद होगी। रेलवे की ओर से कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए जा रहे हैं। रेल चक्का जाम को लेकर देश भर में पटरियों के आसपास लोकल पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस विभाग की टीमें भी तैनात रहेंगी। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। रेलवे सुरक्षा विशेष बल यानी आरपीएसएफ की 20 कंपनियां अलग से तैनात की गई हैं, ताकि किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतें कोई बड़ी साजिश को अंजाम न दे पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बताते हैं कि रेल रोको आंदोलन को लेकर रेलवे प्रशासन ने कैसी पुख्ता तैयारी की है। जी मीडिया ने आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार से बातचीत की। मेजर किसान आंदोलन से जो ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन 3-4 राज्यों में कौन कौन से राज्य आपने ऐसे चिन्हित किए हैं जहाँ ज़्यादा परेशानी होने की संभावना है रेलों को आंदोलन से? देखिए, सबसे पहले तो पंजाब है, क्योंकि पंजाब में रेल से ही जो है वो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और काफ़ी दिनों तक हम लोग का ट्रेन ऑपरेशन वहाँ बंद था। तो जो हमारा फिरोजपुर डिवीज़न है, अम्बाला डिवीज़न है, दिल्ली डिवीज़न है, कुछ पार्ट है, वो तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, जिसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कुछ वेस्टर्न यूपी के भी हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो उसमें लगते हैं। उसके अलावा जो है वो थोड़ी बहुत सूचनाएं बंगाल की भी आ रही हैं, बिहार से भी है। तो बाकी जहाँ जहाँ भी हमें सूचनाएं मिल रही हैं, सारी जगह जो है हमने पूरे भारत में जो है वो अपने पूरे सिस्टम को जो है वो गियरअप किया है और हम कल के आंदोलन के लिए तैयार। तो कितने सारे जो जनरल पैसेंजर्स हैं उनको जो है वो दिक्कत होती है, तो आंदोलनकारियों को इस बात को समझना चाहिए कि उनको द्वारा लंबा रेल रोकने से जो पैसेंजर्स हैं उनको जो है वो तकलीफ होगी, और इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा देर तक जो है वो ट्रेन रोकी जाए। और उसके बावजूद भी जो मतलब इस तरह की कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से हम पे जो है FIR करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी मैसेज ये कि जो हिंसा करेगा उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, निश्चित रूप से। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से खुली धमकी दी है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हम क्रांति गेट बनाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर पर तिरंगा झंडा लगाएंगे, ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया। गाजीपुर बॉर्डर को ऐतिहासिक बॉर्डर बनाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर पर तिरंगा झंडा लगाएंगे। तो राकेश टिकैत ने एक बार फिर धमकी दी है कि गाजीपुर बॉर्डर को ऐतिहासिक बॉर्डर बनाएंगे। राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को खुली धमकी। वो सामने झंडा लगाएंगे, फ्लैग लगाएंगे, वहां पे नेशनल फ्लैग लगेगा और
यहाँ पे मिट्टी रखी जाएगी, पूरा क्रांति पार्क बनेगा, ये क्रांति गेट बनेगा, सारी चीज होगी। ये तो ऐतिहासिक वो बनना है।